जी शेख रशीद जी, आप हमजा शहबाज शरीफ को क्या कहना चाहते हैं? कि जिनके पीछे आप लगे हुए हैं उनके टैलेंट्स तो कुछ और हैं। जी हमजा शहबाज जी, आपके बारे में शेख रशीद क्या कह रहे हैं? आप क्या इनको जवाब देना चाहते हैं? और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं, जब ये बोलता है तो सोचता कम है बोलता ज्यादा है। हाँ जी मुराद सही जी, आप क्या कहना चाहते हैं? परवेज इलाही को हराने का क्या चक्कर था? कौन कौन सा हरबा इस्तेमाल नहीं किया गया? जी मुराद सही जी, मेरी नजर में तो इनका कोई हरबा भी नहीं चला। आप क्या कहते हैं, कोई इनका हरबा काम कर रहा है? इनका कोई भी हरबा इस वक्त काम नहीं कर रहा। जी हमजा शहबाज जी, आपके बारे में मुराद सईद क्या कह रहे हैं? अब आप इन्हें क्या जवाब देंगे बताएं जरा? वो झूठ बोलने का उसको जो आर्ट आता है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। जी शहबाज गिल जी, आप हमजा शहबाज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वो कैसे सियासतदान है? बेसिकली एक अदाकार है, ये कार्टून है, ये सियासी कार्टून है। जी हमजा शहबाज जी, आप शहबाज गिल को क्या जवाब देना चाहते हैं? बच्चे नहीं जानते कि एक पहाड़ जैसी जिंदगी उनके सामने है। अच्छा फवाद चौधरी जी, मुझे ये बता दे, अगर हमजा शहबाज अपने हलके में इलेक्शन लड़े तो क्या वो जीत जाएगा? अगर आपको आपके हलकों में जूते ना पड़े तो आप फिर आके हमसे गिला करिएगा। जी हमजा शहबाज जी, आपको फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? अब आप इन्हें क्या जवाब देना चाहते हैं बताएं जरा? इसके दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम हैं। अच्छा इमरान खान जी, मुझे एक बात बताएं कि किसके होते हुए है अवाम के हक में अच्छे फैसले नहीं हो सकते, बताएं जरा? ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए। हाँ जी हमजा शहबाज, अब आप क्या कहना चाहते हैं इमरान खान के बारे में? धज्जियां उड़ाई इमरान नियाजी की तकरीरों ने। अच्छा इमरान खान साहब, अभी हमें ये बताएं कि आगे अवाम ने क्या करना है, अवाम के लिए कुछ आप बताएं ना। अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। जी हमजा शहबाज जी, हमें इमरान खान ने बोला है आपने हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं इमरान खान को? सीने पे हाथ रख के सिर्फ मुझे एक काम बता दे चार सालों में जो उसने किया हो। जी शहबाज गिल जी, इतनी महंगाई हो गई है, क्या ये हम पाकिस्तानियों का कसूर है? और इसके साथ कौन से पाकिस्तानी खड़े हैं हमजा शहबाज के साथ? ये आम पाकिस्तानी का कसूर नहीं है जो कुछ यहाँ होगा, आम पाकिस्तानी इसके साथ नहीं खड़ा। फवाद चौधरी जी, मुझे ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी क्या सियासत का गुरु है? जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। अच्छा इमरान खान जी, मुझे एक बात बताएं, ये पाकिस्तान क्या सियासतदानों का है? क्या हम आवाम का ये पाकिस्तान नहीं है? मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है।